हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल चैनल बाई नेहा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल के बारे में। सबसे पहले हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे ये सीखेंगे, देन उसके बाद सीखेंगे कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला क्या है और उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम इसमें टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। तो जब आपको x और एफ एक्स डेटा गिवेन होगा, सपोज करिए x का डेटा गिवेन है x जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री और एक्स फोर। सिमिलरली एफ एक्स का डेटा गिवेन है एफ एक्स जीरो, एफ एक्स वन, एफ एक्स टू, एफ एक्स थ्री एंड एफ एक्स फोर। आप देख रहे होंगे कि हमने इसमें डिस्टेंस इतना क्यों लिया है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएं तो एक दो डेटा के बीच डिफरेंस ले लें, बिकॉज जब आप आगे काम करेंगे तो उसमें स्पेस रहेगा, अदरवाइज आपके पास आगे स्पेस ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो आप इसको ऑफकोर्स स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलिए। तो अब आप देखिए कि डिवाइडेड डिफरेंस टेबल क्रिएट करना है तो हमको उसका टेबल कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डिवाइडेड डिफरेंस को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रायंगल बनाइए और उसे बीच से ऐसे कर दीजिए, कट कर दीजिए। इसको हम डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं, या कई कई बुक में क्या होता है, ट्रायंगल बनता है और साइड में डी लिख देते हैं। तो एक इस नोटेशन से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या करते हैं, या तो ट्रायंगल बना दीजिए और इसको बीच से कट कर दीजिए, ये भी डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर का सिंबल है। इसी प्रकार या ट्रायंगल बनाइए और साइड में डी लिख दीजिए, ये भी किसका है, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर का सिंबल है। अब आइए देखते हैं कि फर्स्ट डिवाइडेड ऑपरेटर एफ एक्स हमको फाइंड आउट करना है, इसकी टेबल क्रिएट करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एफ एक्स का दूसरे डेटा में से पहले डेटा को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ एक्स वन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स जीरो, और डिवाइड है, चूंकि डिवाइड पर है तो डिवाइडेड बाय एक्स के डेटा में भी हम सेम काम करेंगे, डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स जीरो, दूसरे में से पहले को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, फिर से देखिए, पहले एफ एक्स का आएगा एफ एक्स वन माइनस ऑफ एफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स जीरो। फिर देखिए, अब दूसरे वाले को करना है तो दूसरा और तीसरा यूज़ होगा, तो थर्ड फंक्शन ऑफ एक्स टू माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वन, सिमिलरली यहाँ डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, ये आ गया। इसी प्रकार अब इसमें आइए तो थर्ड फंक्शन ऑफ एक्स थ्री और फंक्शन ऑफ एक्स टू है, तो फंक्शन ऑफ एक्स थ्री में से फंक्शन ऑफ एक्स टू को सब्सट्रैक्ट करिए और यहाँ एक्स थ्री माइनस एक्स टू से इसको डिवाइड करिए। अब नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एक्स फोर और फंक्शन ऑफ एक्स थ्री, तो फंक्शन ऑफ एक्स फोर माइनस फंक्शन ऑफ एक्स थ्री अपॉन एक्स फोर माइनस ऑफ एक्स थ्री। अब आप देखिए इस डेटा को आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सपोज हमने इसको मान लिया फर्स्ट डिवाइडेड ऑपरेटर फंक्शन ऑफ एक्स जीरो, अगले को क्या मान लिया, फर्स्ट डिवाइडेड ऑपरेटर फंक्शन ऑफ एक्स वन, नेक्स्ट अगले को क्या मान लिया, फर्स्ट डिवाइडेड ऑपरेटर फंक्शन ऑफ एक्स टू, और नेक्स्ट को फंक्शन ऑफ एक्स थ्री। अभी यहाँ देखा रहे होंगे आप कि ये तो बहुत ईजी है बनाना, इसमें क्या करना है, दूसरे में से पहले को सब्सट्रैक्ट करना है एफ एक्स का, और सिमिलरली एक्स वाले में से यही करना है। लेकिन जब आप सेकेंड डिवाइडेड फंक्शन बनाएंगे, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे, तो आप देखिए उसमें क्या होगा। सेकेंड डिवाइडेड ऑपरेटर बनाने के लिए जो उसका डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर होगा, सबसे पहले यही काम करेगा कि सेकेंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करते हैं, कर दीजिए। तो फर्स्ट डिवाइडेड ऑपरेटर फंक्शन ऑफ एक्स वन माइनस फर्स्ट डिवाइडेड ऑपरेटर फंक्शन ऑफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाय, अब क्या करेंगे, अब आपको करना क्या है कि आप ये देख रहे हैं ये सेम मैच हो रहा है, इनको नहीं लिखना, ये डायगोनल में जो आपको दिख रहा है ये लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, एक्स टू माइनस एक्स जीरो, क्या लिखेंगे, एक्स टू माइनस एक्स जीरो। सिमिलरली देखिए, अब इसमें भी थर्ड में से सेकेंड डेटा को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो फर्स्ट डिवाइडेड ऑपरेटर फंक्शन ऑफ एक्स टू माइनस फर्स्ट डिवाइडेड ऑपरेटर फंक्शन ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाय, है ना। इसमें भी देखिए आपको ये डायगोनल फॉर्म में लेना है, ना कि ये, क्या लेंगे, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, क्या आ जाएगा, एक्स थ्री माइनस एक्स वन। सिमिलरली आप फोर्थ वाले में, तो फोर्थ में से सेकेंड को सब्सट्रैक्ट करें, थर्ड को सब्सट्रैक्ट करेंगे
तो फर्स्ट डिवाइडेड ऑपरेटर फंक्शन ऑफ एक्स थ्री माइनस फर्स्ट डिवाइडेड ऑपरेटर फंक्शन ऑफ एक्स टू। अब नेक्स्ट अपॉन में क्या लिखा ही आएगा, एक्स फोर माइनस एक्स टू, क्या आएगा, एक्स फोर माइनस एक्स टू, एक्स फोर माइनस ऑफ एक्स टू। क्लियर है, क्या आएगा, एक्स फोर माइनस ऑफ एक्स टू। अब सपोज हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, कौन सा आ गया, सेकेंड डिवाइडेड ऑपरेटर फंक्शन ऑफ एक्स जीरो, सेकेंड डिवाइडेड ऑपरेटर फंक्शन ऑफ एक्स वन, और ये हो गया सेकेंड डिवाइडेड ऑपरेटर फंक्शन ऑफ एक्स टू। अब वही बात की टेबल कहाँ तक बनेगी, आपको बताया गया था जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उससे हमेशा एक कम तक टेबल बनेगी। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है, दैट मीन्स ये काम आपको कहाँ तक करना पड़ेगा, फोर्थ तक। तो आइए देखते हैं कि थर्ड में जब आप काम करेंगे, देखिए थर्ड डिवाइडेड ऑपरेटर फंक्शन ऑफ एफ एक्स निकालना है। अब यहाँ देखिए, अब इसमें फिर थर्ड में करेंगे तो सेकेंड की हेल्प से करेंगे, तो क्या करेंगे, सेकेंड माइनस वन, दूसरा डेटा माइनस फर्स्ट डेटा, तो क्या होगा, सेकेंड डिवाइडेड ऑपरेटर फंक्शन ऑफ एक्स वन माइनस सेकेंड डिवाइडेड ऑपरेटर फंक्शन ऑफ एक्स जीरो। फिर वही काम, अब इसमें क्या करेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन नहीं लेना, क्या लेना है, एक्स थ्री माइनस एक्स जीरो, क्या लेंगे, एक्स थ्री माइनस एक्स जीरो, तो ले लीजिए एक्स थ्री माइनस एक्स जीरो। फिर यही काम करिए, थर्ड में से सेकेंड डेटा को सब्सट्रैक्ट करिए, तो सेकेंड डिवाइडेड ऑपरेटर फंक्शन ऑफ एक्स टू माइनस सेकेंड डिवाइडेड ऑपरेटर फंक्शन ऑफ एक्स वन। अब इसमें क्या लेंगे, एक्स फोर माइनस एक्स वन, क्या लेंगे, एक्स फोर माइनस एक्स वन। इसी प्रकार आएंगे और बढ़ता चलेगा। तो चलिए इसके एक क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चंस है, बाई मीन ऑफ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ 8, फंक्शन ऑफ 9 एंड फंक्शन ऑफ 15 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। आप देखिए एक्स और एफ एक्स का आपको डेटा गिवेन है, तो सबसे पहले आपका काम क्या है, डिफरेंस टेबल क्रिएट करना। सबसे पहले आपका काम क्या है, डिफरेंस टेबल क्रिएट करना। तो चलिए पहले हम इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं, है ना। तो आपको पता है कि x और ये नेक्स्ट डेटा आपको क्या मिला है, एफ एक्स, लिख लीजिए क्या है, 4। मैंने आपको पहले भी बताया है कि थोड़ा जब आप डेटा लिखें तो स्पेस छोड़ छोड़ के लिखें, 4, 5, 7, 10, 11 एंड 13। यहाँ देख रहे हैं कंटिन्यूअस डेटा नहीं है, देखिए 4 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो जो न्यूटन डिवाइडेड होता है वो अनइक्वल्स इंटरवल्स के लिए होता है, दैट मीन्स हर डेटा में सेम डिफरेंस नहीं है। देखिए 4 से 5 हो गया, 5 से 7 हो गया, 7 से 10 हो गया, 10 और 11 के बीच 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, तो ये कंटिन्यूअस डेटा नहीं है, ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस डेटा है। अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू आपको क्या गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू है 48, 100, 294, 900, 1210 एंड 2028, ये आपकी वैल्यू गिवन है। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो आइए फर्स्ट डिवाइडेड ऑपरेटर फंक्शन ऑफ एफ एक्स की हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या होगा, आप क्या करेंगे, आपको बताया गया है एफ एक्स का दूसरा डेटा माइनस ऑफ फर्स्ट डेटा, तो क्या करेंगे, 100 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4, ये करेंगे। आ रही बात समझ, एफ एक्स का दूसरा डेटा 100, पहला डेटा 48, और एक्स का दूसरा डेटा 5, और पहला डेटा 4, तो 5 माइनस 4, और 100 माइनस 48 दैट मीन्स 52, और 5 माइनस 4 दैट मीन्स 1, तो 52 अपॉन 1। इसी प्रकार एफ एक्स का थर्ड डेटा क्या है, 294 माइनस ऑफ सेकेंड डेटा, इसी प्रकार एक्स का थर्ड डेटा माइनस ऑफ सेकेंड डेटा, तो 7 माइनस 5, तो 294 माइनस ऑफ 100 दैट मीन्स 194, और ये डिवाइडेड बाय 2, जिसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 97। नेक्स्ट देखिए
अब इसका फोर्थ डेटा, एफ एक्स का फोर्थ डेटा क्या है 900 माइनस सेकेंड डेटा, थर्ड डेटा क्या है 294 डिवाइडेड बाय एक्स का फोर्थ डेटा 10 और थर्ड डेटा माइनस ऑफ 7। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 202। आराम से सॉल्व कर लीजिए, 900 माइनस 294 डिवाइडेड बाय दिस, तो आंसर आ जाएगा 202। इसी प्रकार देखिए एफ एक्स का कौन सा डेटा है फिफ्थ, तो फिफ्थ माइनस फोर, तो क्या करेंगे 1210 माइनस ऑफ 900 डिवाइडेड बाय, इसी प्रकार इसका भी फिफ्थ माइनस फोर, तो क्या होगा 11 माइनस 10, तो 11 माइनस 10 1 और 900 में से 1210 माइनस ऑफ 900 दैट मीन्स क्या बचेगा 310, क्या बचेगा 310। सिमिलरली इसका लास्ट डेटा क्या है 2028 और अब क्या करेंगे माइनस ऑफ 1210 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 13 माइनस 11, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 409। फर्स्ट डिवाइडेड के कंप्लीट हो गए, है ना। फर्स्ट डिवाइड आपकी इसमें क्या रहेगा देखिए 1 2 3 4 5 6, जैसे ही आप फर्स्ट डिवाइडेड बनाएंगे तो 5 डेटा ही आपको मिलेंगे, नेक्स्ट बनाएंगे तो 4। देखिए सेकंड डिवाइडेड ऑपरेटर फंक्शन ऑफ एफ एक्स, अब इसमें काम क्या करना है, फर्स्ट का फर्स्ट डिवाइडेड ऑपरेटर बन चुका, तो फर्स्ट डिवाइडेड का सेकंड डेटा माइनस ऑफ फर्स्ट डेटा, तो क्या हो जाएगा 97 माइनस ऑफ 52 डिवाइडेड बाय। अब क्या करना है कि आपको ये डायगोनल लेना है 7 माइनस 4, क्या करना है 7 माइनस 4 लेना है और इसको सिंप्लीफाई कर देना, इसका आंसर आ जाएगा 15। इसी के प्रकार फर्स्ट डिवाइडेड ऑपरेटर का थर्ड डेटा माइनस ऑफ सेकेंड, तो क्या है 202 माइनस ऑफ 97, अगेन इसमें कौन सा डेटा लेंगे ये 10 माइनस 5, क्या लेंगे 10 माइनस 5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर आएगा 21। नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड डेटा, फर्स्ट डिवाइडेड ऑपरेटर का थर्ड डेटा क्या है 310 माइनस 202 डिवाइडेड बाय भी क्या लेंगे 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 तब वो क्या मिलेगा 27। इसी प्रकार इसका लास्ट फिफ्थ डेटा माइनस ऑफ फोर्थ डेटा 409 माइनस 310 डिवाइडेड बाय ये क्या लेंगे 13 माइनस ऑफ 10, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 33। आप देख रहे हैं कि पहले 6 डेटा था जब हमारे क्वेश्चन में, जैसे हम फर्स्ट डिवाइडेड बनाए तो हमारे पास डेटा कितने हो गए 5, काउंट करिए 1 2 3 4 5। इसी प्रकार जब सेकंड डिवाइडेड में है तो कितना आ गया 4th बचे, है ना। अब चलिए थर्ड देखते हैं कि थर्ड डिवाइडेड एफ एक्स टेबल कैसे हम क्रिएट करेंगे, तो आइए थर्ड करना है तो सेकंड डिवाइडेड ऑपरेटर की हेल्प से करेंगे, तो इसका सेकंड डेटा माइनस ऑफ फर्स्ट डेटा, तो क्या हो जाएगा 21 माइनस ऑफ 15 डिवाइडेड बाय, फिर वही प्रोसीजर ये लेंगे 10 माइनस 4 सेकंड डेटा माइनस ऑफ फर्स्ट डेटा का डायगोनल, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 4, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आंसर आएगा 1। इसी प्रकार क्या करेंगे 27 माइनस ऑफ 21 ये माइनस ऑफ दिस और इसको क्या लेंगे 11 माइनस 5 और सिंप्लीफाई करेंगे इसका भी क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट डेटा माइनस ऑफ थर्ड डेटा, टोटल कितने फोर्थ माइनस ऑफ थर्ड, तो 33 माइनस ऑफ 27 डिवाइडेड बाय ये देखिए ये डायगोनल 13 माइनस 7 ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, सिंप्लीफाई। इस प्रकार आपका थर्ड, अभी भी देख रहे हैं कि फोर्थ डिवाइडेड ऑपरेटर बन जाएगा, तो नेक्स्ट देखिए सेकंड माइनस 1 थर्ड ऑपरेटर का सेकंड डेटा माइनस ऑफ 1 डेटा अपॉन डायगोनल में क्या आ जाएगा क्या लेंगे 11 माइनस 4 और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू 0। इसी प्रकार थर्ड डेटा माइनस ऑफ सेकंड डेटा तो 1 माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा 13 माइनस 5 तो ये भी करेंगे तो 0।
फिफ्थ इसमें बनेगा ही नहीं क्योंकि इसमें फोर्थ ऑपरेटर सारे जीरो हो गए। वैसे रूल के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि फिफ्थ भी बनने चाहिए, लेकिन जब फोर भी हमको जीरो मिल गया तो हम फिफ्थ नहीं बनाएंगे। तो आ रही बात समझ में कि कैसे काम करना है, ये डायगोनल में लेना है। पहले वाले तो बन जाएंगे, जब सेकंड बनाओगे तो फर्स्ट वाले के ये डायगोनल आप लोग यूज करेंगे। आइए अब इसका फार्मूला देख लेते हैं कि न्यूटन डिवाइडेड इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता है। तो देखिए हमारे पास फार्मूला है, आइए पहले थोड़ा सा इस फार्मूले को समझते हैं कि ये फार्मूला क्या कह रहा है। फार्मूला होता है एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स जीरो। देखो आप देखेंगे एक्स है, एफ एक्स, एक्स क्या है, इसमें जिस वैल्यू पर हमको ये फंक्शन फाइंड आउट करना है, जैसा कि क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ 8 लिखा है, 9 लिखा है, 10 मिला, तो दैट मीन्स ये सब एक्स का डेटा आपको गिवेन है। ये किसके डेटा गिवेन है, आपको एक्स के डेटा गिवेन है ना, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकालना है। फिर क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ एक्स जीरो। तो अब देखिए फंक्शन ऑफ एक्स जीरो क्या है, टेबल में आपको पहले बताया गया है कि जो सबसे पहला डेटा है वो एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू है ना, तो आप इसको थोड़ा इंडिकेट कर लीजिए कि ये डेटा आपका क्या है, एक्स जीरो, नेक्स्ट एक्स वन, नेक्स्ट एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, लिख लीजिए ऐसे ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तब देखिए इसका फार्मूला क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो फर्स्ट डिवाइडेड ऑपरेटर फंक्शन ऑफ एक्स जीरो प्लस सेकेंड डेटा में आएंगे तो जीरो और वन दोनों यूज होंगे, तो क्या होगा, एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, सेकेंड डिवाइडेड ऑपरेटर फंक्शन ऑफ एक्स जीरो। ध्यान रखेंगे फर्स्ट ऑपरेटर है तो ओनली एक टर्म रहेगा, सेकेंड ऑपरेटर है तो देखिए एक्स माइनस एक्स जीरो और एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ दो टर्म होगा। इसी प्रकार देखिए थर्ड में एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स टू, और थर्ड डिवाइडेड ऑपरेटर फंक्शन ऑफ एक्स जीरो। जहाँ तक आपकी टेबल जाएगी वहाँ तक, यहाँ देखिए चार तक जा रही है तो हम चौथा भी लिख लेंगे, एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, है ना, फोर टर्म हो गए और फोर्थ डिवाइडेड ऑपरेटर फंक्शन ऑफ एक्स जीरो। एक बात मैं और बता दूं, आपको देख रहे होगा कि एक्स जीरो ये है तो ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स जीरो, ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स जीरो है। और हमेशा न्यूटन डिवाइडेड में हमेशा फर्स्ट डेटा ही हमको यूज़ करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं एफ एक्स जीरो लिखा है, जब ये एफ एक्स जीरो है तो पहले वाले सारे डेटा क्या होंगे, एफ एक्स जीरो की वैल्यू होगी। चलिए आइए इसमें वैल्यू रखते हैं, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ एट की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, इसकी फंक्शन ऑफ एट की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए एफ एट फंक्शन ऑफ एक्स जीरो, देखिए फंक्शन ऑफ एक्स जीरो में हमको क्या गिवेन है, 48 प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 माइनस एक्स जीरो की वैल्यू, देखिए ये एक्स जीरो की वैल्यू है दैट मीन्स 4 सॉरी। फिर क्या है, फर्स्ट डिवाइडेड ऑपरेटर, फर्स्ट डिवाइडेड ऑपरेटर फंक्शन ऑफ एफ एक्स जीरो की वैल्यू कितनी है 52 प्लस एक्स की वैल्यू 8, एक्स जीरो की वैल्यू 4 और एक्स माइनस एक्स मतलब 8 और एक्स वन की वैल्यू देख रहे हैं आप कितनी गिवन है 5 और सेकेंड डिवाइडेड ऑपरेटर की वैल्यू है 15 प्लस एक्स की वैल्यू 8 माइनस एक्स जीरो की वैल्यू 4 फिर 8 माइनस एक्स वन की वैल्यू 5 फिर एक्स माइनस एक्स टू 8 माइनस एक्स टू की वैल्यू 7 इंटू थर्ड डिवाइडेड ऑपरेटर इंटू 1 प्लस इसी प्रकार एक्स माइनस एक्स जीरो दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 8 और एक्स जीरो की वैल्यू 4 फिर एक्स माइनस एक्स वन तो 8 माइनस एक्स वन की वैल्यू 5 फिर एक्स माइनस एक्स टू तो 8 माइनस एक्स टू की वैल्यू 7 फिर एक्स की वैल्यू 8 माइनस एक्स थ्री की वैल्यू 10 इंटू फोर्थ डिवाइडेड ऑपरेटर की वैल्यू देखो कितनी आ रही है 0, तो ये सारा टर्म तो 0 हो गया, ये सारा टर्म क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, फंक्शन ऑफ 8 इज इक्वल टू 48 प्लस यहाँ देखिए 8 माइनस 4 इंटू
52, तो 4 इंटू 52 आप करेंगे तो आएगा 208 प्लस, इसी प्रकार ये करिए 4 3, 4 3 ज़ा 12 और 12 इंटू 15 दैट मीन्स 180 प्लस, इसी प्रकार इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 4 3 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 5 3 और 1, तो 8 इंटू 3 दैट मीन्स क्या आ जाएगा 12, और इन सबको आप ऐड कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 448। अभी तो आपने सिर्फ फंक्शन ऑफ 8 का फाइंड आउट करा है, नेक्स्ट आपको क्या करना है फंक्शन ऑफ 9, सिमिलरली डेटा यही है, सिर्फ x की जगह, जहाँ भी x की जगह 8 यूज़ हुआ है आप क्या पुट कर देंगे 9 पुट कर देंगे, क्या करेंगे 9 करेंगे, है ना। इसी प्रकार आपको क्या फाइंड आउट करना है फंक्शन ऑफ 15, तो बस x की वैल्यू को चेंज आपको करना है और फंक्शन ऑफ 9 और फंक्शन ऑफ 15 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप मुझे फंक्शन ऑफ 9 और फंक्शन ऑफ 15 की वैल्यू कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा, ये आपको होमवर्क है और घर में करिए, और जहाँ भी नहीं समझ में आता प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में करिए, और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल जाए, और हमें कमेंट्स भी करिए कि यदि कुछ कमियाँ हैं तो हम ऑफकोर्स उनको दूर करना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।